our new vlog friends. After visiting Waitomo Caves, now we are moving towards Rotorua. But it's lunchtime, so we must stop on the way to eat something. दोस्तों हम लोग लंच के लिए रुके हैं इस फूड जॉइंट में जिसका नाम है बिग एप्पल और मैं आपको बिग एप्पल दिखाती हूँ, वो रहा बिग एप्पल। तो हम लोग यहाँ कुछ खाने वाले हैं और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं हेल्स गेट। हेल्स गेट जगह है जहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं मड बाथ एंड मड स्पा। फ्रेंड्स रोटोरुआ इज नॉट जस्ट अ सिटी but it's a geothermal wonderland which is known for its hot sulfur springs and mud pools. to dosto abhi hum log aa gaye hain Hell's Gate. this is one of the most famous geothermal mud spa and mud bath. to aaiye andar chalte hain dekhte hain ki andar kya hai. let's go. Makeup, any sunscreen lotion on your face, especially just take it off before going in. Need to be washed properly, very nicely, because the sulfur sometimes react with the chemicals of that. So friends, we have Sushant here and he's from India by the way. Hi. And he's from the mud spa, from the Hell's Gate spa. And he's going to tell us something about the spa and what are the benefits of mud spa and mud bath. Okay, so we are having mud bath and sulfur spa. There are two different things. But basically the pools are heated with the spa only, or sorry, sulfur spa only. And the sulfur is basically good for the body, especially the arthritis, any skin allergy, and to soothing your muscles, all of those stuff. And the pools are quite nice and warm in nature, 38 to 41 degrees. And the mud is quite nice and for the skin, gives you a soothe effects on the skin. If you have any, gives you a good circulation in the body, so there's lots of minerals in the mud. And mud gives you like a pack as well. I heard that it gives you a good youngerness. Yeah, give you a little bit of fitter effects. That's great. Good. That's great. Good. Yeah. Good to know that. Thank you, Sushant. पर कोई तीन जियोथर्मल स्पा हैं इन रोटोरुआ। सो ये जो है हेल्स गेट, इट्स वन ऑफ द फेमस आउट ऑफ दोज थ्री। और आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ सल्फर ही सल्फर है और ये सल्फर गीजर्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर हर जगह एक अजीब सी सल्फर की स्मेल है। और दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सल्फर लेक है। तो ये जो सल्फर बाथ होता है और जो मड बाथ है यहाँ पर, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। काफी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पर, बहुत लोग स्पेशली ये करने के लिए आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पहले जो माओरी लोग थे वो उनमें जो वॉरियर्स होते थे वो स्पेशली ये बाथ लेते थे, सल्फर बाथ। तो तब से ये काफी फेमस है और अभी यहाँ पर बहुत लोग आते हैं दूर दूर से मड बाथ लेने के लिए इन दिस सल्फर बाथ। तो दोस्तों मेरे पीछे ये जो है, दिस इज ककाई फॉल, ककाई फॉल। और ऐसा माना जाता है कि जो माओरी वॉरियर्स जो थे, जब वो युद्ध में जख्मी होते थे तो फिर वो अपने वुंड्स को, अपने जख्मों को हील करने के लिए यहाँ पर नहाते थे।
मैं थोड़ा और आगे जाके देखना चाहती हूँ कि और क्या है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। डिनर टाइम हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं इंडियन रेस्टोरेंट में कॉल्ड लवली इंडिया। और ये सी फॉरनर्स भी इंडियन खाना एंजॉय करते हैं, तो ये वेव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि खाना कितना अच्छा है यहाँ पर। अभी फिलहाल हमें पुकाकी स्ट्रीट पर, ये देखिए ये पुकाकी स्ट्रीट है और यहाँ पर ये है लवली इंडिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है। अगर आप रोटरुआ में आते हैं न्यूजीलैंड में तो लवली इंडिया में खाना खाना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग रोटरुआ पहुंच गए हैं और अभी मैं अपने होटल के सामने खड़ी हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आवारा हो, बाय बाय। It's caught in the crossfire.